हेडलाइन के अंदर देख रहे हैं, हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो हमारे आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो के दोस्तों जो 25 प्रश्न हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखें और लास्ट तक बने रहें, और मैंने कोशिश की है कि कोई गलती ना हो, फिर भी अगर कोई हो जाती है तो क्षमा करना और आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान में कौन सी विधानसभा के लिए मतदान हुए? ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सी विधानसभा के लिए मतदान हुए हैं, 15वीं विधानसभा के लिए मतदान हुए। दूसरा ऑप्शन जो है इसका आंसर अपना सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? ये तो आपको पता ही होगा, 200 सीटें हैं। 15वें विधानसभा चुनावों में कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इनसे इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे वो आगे मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से 12 से 13 मिनट के आसपास ये वीडियो हो जाएगा या फिर इसके अंदर हो जाएगा। तो 199 सीटों पर मतदान हुआ, किस कारण से नहीं हुआ वो अभी अगले प्रश्न में शामिल है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। वैसे अलवर के अंदर जो रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वहां के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया था 29 नवंबर को, इस कारण वहां पर मतदान नहीं हो पाया। तो कितनी सीटों पर मतदान हुआ? 199 सीटों पर। 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान में किस विधानसभा सीट पर मतदान नहीं हुआ? तो ये कहां नहीं हुआ? रामगढ़, अलवर। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। अगला प्रश्न है, 29 नवंबर 2018 को अलवर स्थित रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया था, वह किस पार्टी से थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किससे थे? बीएसपी से थे, बहुजन समाज पार्टी, और इसके अध्यक्ष कौन है? मायावती। बीएसपी को 6 सीटें मिली थी इस बार। 7 दिसंबर 2018 को हुए विधानसभा चुनावों में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? ठीक है, 199 सीटों के लिए मतदान हुए थे, तो उसके अंदर कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था? 2274 उम्मीदवारों ने, और इसमें से 187 जो थी वो महिलाएं थी और 2087 जो है पुरुष थे। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। और ये वाली फुल फॉर्म्स भी ध्यान रखना, ईवीएम की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नोटा की, नन ऑफ द अबाव। राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? अभी जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच थोड़ी सी चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत बन चुके हैं, तो उन्होंने किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? सरदारपुरा, जोधपुर से। और सचिन पायलट ने टोंक से लड़ा था और वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से, ये भी आप ध्यान रखना। 15वें विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? देखो कितनी सीटों पर मतदान हुआ था, 199 पर मतदान हुआ था, और बहुमत के लिए चाहिए थी 100 सीटें, जिसमें कांग्रेस को कितनी मिली? 99। ठीक है, एक सीट जो इसको बहुमत जो साबित करना था, तो एक सीट इनको मिली राष्ट्रीय लोकदल से। किससे? राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। उन्होंने भरतपुर से एक सीट प्राप्त की थी, वहां पर विजयी रहते हैं राष्ट्रीय लोकदल, तो वो जो एक सीट है इनको कांग्रेस को मिली और इन्होंने अपना बहुमत साबित किया। 73 सीटें बीजेपी को मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 6 मिली थी, और बाकी अदर जो है 21 बाकी अन्य पार्टियां विजयी रही। कांग्रेस को बहुमत के लिए आवश्यक एक सीट के लिए समर्थन राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD ने दिया था, और राष्ट्रीय लोकदल के डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर सीट से जीत दर्ज की थी। ये भी ध्यान रखना आप, राष्ट्रीय लोकदल जिसने कांग्रेस को समर्थन दिया वहां, तो उस पार्टी के डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहां से जीत दर्ज की थी? भरतपुर सीट से। और राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष है वो अजीत सिंह चौधरी हैं। 15वें विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से किसने जीत दर्ज की? तो ये की थी कैलाश मेघवाल ने, शाहपुरा भीलवाड़ा इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इन्होंने 74,542 वोटों से कांग्रेस के महावीर प्रसाद को हराया था। कितने वोटों से? 74,542 वोटों से कांग्रेस के महावीर प्रसाद को हराया था, और सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की। कहां से? शाहपुरा भीलवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कैलाश मेघवाल का। और यहां पर एक और है शाहपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि जयपुर में है, तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, वहां से निर्दलीय
निर्दलीय से आलोक बेनीवाल ने जीत दर्ज की थी, उन्होंने कांग्रेस के मनीष यादव को हराया था। तो ये मैंने इसलिए पॉइंट इंक्लूड किया था कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, शाहपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो जयपुर में भी है और भीलवाड़ा में भी है, और सबसे कम वोटों के अंतर से 154 कितने 154 वोटों के अंतर से आसीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भीलवाड़ा के प्रत्याशी झाबर सिंह विजयी रहे। सबसे कम अंतर से कौन जीते? आसीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के झाबर सिंह। दोस्तों इसकी जैसे ही पीडीएफ फाइल भी तैयार होगी मैं आपको अपने स्टडी मित्र का जो चैनल है टेलीग्राम चैनल उस पर बनाकर भेज दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आप जल्दी मत करना, ठीक है? जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं उसकी पीडीएफ बनाकर आपके चैनल पर डाल दूंगा, तो आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना स्टडी मित्र का। 15वें विधानसभा चुनावों में किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत जो है सर्वाधिक रहा? तो वो रहा सर्वाधिक प्रतिशत जो है, वैसे जिले के अंदर तो जैसलमेर में सर्वाधिक वो रहा था मतदान प्रतिशत, और पाली में सबसे कम रहा था। तो इसके इस प्रश्न के हिसाब से पोकरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर मतदान का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक रहा, 87.45%। सबसे कम का भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये आप कंफर्म करके बताना दोस्तों कि सबसे कम जो है मतदान कहाँ पर हुआ था। मेरे हिसाब से शायद मारवाड़ जंक्शन जो है उसमें सबसे कम रहा था, और जिले के अंदर मैंने आपको बताया दिया जैसलमेर, ठीक है, और ये न्यूनतम जो है पाली में। 15वें विधानसभा चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? 15वें विधानसभा चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? 74.69। ये जो है 74.69 दोस्तों मैं 13 तारीख का जो राजस्थान पत्रिका उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो आप भी अगर कहीं पे देखो तो मतलब जो 10 तारीख को श्रीगंगानगर में एक सीट पर जो चुनाव वापस से किए गए थे उसके बाद का परसेंटेज देखना, ठीक है। 7 तारीख को अपने चुनाव हुए थे तो उसके आसपास के अखबार में जो परसेंटेज आ रहा है मतदान प्रतिशत वो ना देख के आप 10 तारीख के आसपास 10 तारीख के बाद की जो प्रतिशत बता रहे हैं ना वही देखना। तो 13 तारीख को राजस्थान पत्रिका में जो आया था वो आया था 74.69, ठीक है, 74.69 जो है मतदान प्रतिशत रहा। ये 13 दिसंबर को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखना, लास्ट जो आ रहा है, कुल 227 ट्रांसजेंडर मतदाताओं में से 75 ने मतदान किया, ठीक है, कितने प्रतिशत? 33.04% ने। 227 में से 75 ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने मतदान किया। अगला प्रश्न है, 15वें विधानसभा चुनावों में सबसे युवा विजेता प्रत्याशी कौन थे? तो वह थे राजकुमार रावत। कौन थे? राजकुमार रावत। कहां से थे? इनका जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो है 84 डूंगरपुर। सबसे युवा विजेता प्रत्याशी कौन है? राजकुमार रावत 84 डूंगरपुर से। सबसे बुजुर्ग विजेता प्रत्याशी कैलाश मेघवाल, ठीक है, इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया था शाहपुरा भीलवाड़ा। सबसे बुजुर्ग महिला विजेता प्रत्याशी सूर्यकांत व्यास, 80 वर्षीय, और इनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वह सूरसागर जोधपुर। सबसे युवा महिला विजेता प्रत्याशी इंदिरा मीणा, 31 वर्षीय, और इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है बामनवास है, जो कि टोंक और सवाईमाधोपुर में आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में किस विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान कराया गया? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में जरूर आ सकता है, इसका तो बहुत ध्यान रखना आप दोस्तों। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा गलती हो गई थी तो इस वजह से ये पुनर्मतदान हुए थे। कहाँ पर? श्रीगंगानगर के करणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, बूथ संख्या 163 पर, करणपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 163 पर पुनर्मतदान कराया गया। और कारण क्या था कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल के वोट को डिलीट किए बिना ही मतदान कराना, और वो उसके बाद वोटिंग करने के बाद भी गलती से पीठासीन अधिकारी द्वारा जो है क्लियर बटन दब गया था तो सारे वोट शून्य हो गए थे, इस कारण से वापस से वोटिंग करानी पड़ी। 15वें विधानसभा चुनावों में कुल 2274 प्रत्याशियों ने भाग लिया, ठीक है, 2274 प्रत्याशियों ने भाग लिया, इसमें से कुल महिला प्रत्याशी कितनी थी? 187 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें, जिसमें से 22 महिलाएं विजयी रही थी, इसमें कांग्रेस की 11, बीजेपी की 9 और अन्य की 2। राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं वो हैं आनंद कुमार, और निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं प्रेम सिंह मेहरा, और अपने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, जो कि हाल ही में बनाए 2 दिसंबर को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? आनंद कुमार है।
चुनाव के समय किसी चुनाव प्रचार को कितने समय पहले बंद करना पड़ता है? तो जनरल क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए, 48 घंटे पहले। आचार संहिता के नियमों के अनुसार 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार जो है बंद हो जाना चाहिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने? सबसे ज्यादा बार जो है मोहनलाल सुखाड़िया बने हैं, 4 बार, और इनका कार्यकाल जो लगभग 17 साल के आसपास का है। और अभी अशोक गहलोत जो है 3री बार बन गए हैं, और भैरव सिंह भी 3 बार बन चुके हैं, और हरिदेव जोशी भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है या फिर नियुक्ति की जाती है? तो वो अनुच्छेद है 164। ये दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन ले लिए इससे रिलेटेड, ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। वैसे तो बहुत चुनाव का जो टॉपिक है एक अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उनसे रिलेटेड जो है मैंने थोड़े से प्रश्न लिए हैं जो वही मिलते जुलते, ताकि थोड़े एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 324 अनुच्छेद के तहत किया गया है, और संविधान के भाग 15 के अंदर जो अनुच्छेद है 324 से 329 उनमें इसका उल्लेख किया गया है। और एक ये भी ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है? प्रश्न आता है संवैधानिक है संवैधानिक है, तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 किया गया? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय चुनावों में ईवीएम का प्रयोग कब से शुरू हुआ? ईवीएम का जो प्रयोग शुरू हुआ था वो हुआ था 1998 के अंदर, ठीक है, नवंबर 1998 में पहली बार भारतीय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू किया गया। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री कौन बने? 5वें उप मुख्यमंत्री जो है सचिन पायलट बने हैं। इनसे पहले जो बने हैं वो हैं टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाबड़ा, बनवारीलाल बेरवा और कमला बेनीवाल। हाल ही में अशोक गहलोत राजस्थान के कौन से निर्वाचित मुख्यमंत्री बने? तो इसमें आंसर छुप रहेगा, 22वें निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, ठीक है, और जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न, आशा करता हूँ आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।